मैंने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस का 10वां पार्ट, वो भी 3D में, वो भी हिंदी में, जो एक मास मसाला एक्शन कॉमेडी मूवी है, और उसे देख के सच में मजा आ गया। मूवी को स्टोरी के लिए देखना चाहते हो तो रहने ही देना, पर मूवी को एक्शन के लिए देखना चाहते हो तो जरूर देखना, मूवी मजा देगी। पर यह मूवी अधूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आइए बताता हूँ। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं तेरा मेरा रिव्यू चैनल। वैसे मूवी की इस बार की स्टोरी कनेक्ट है फास्ट एंड फ्यूरियस के 5वें पार्ट से, जहां टॉम एक विलन की पैसे से भरी तिजोरी चुरा लेता है और उसी हादसे में उस विलन की मौत हो जाती है। पर जैसा कि ट्रेलर देखकर पता चल रहा है, विलन का बेटा आ गया है टॉम से अपने बाप का बदला लेने। अब वो कैसे बदला लेता है और टॉम कैसे बचता है, उसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। पर हाँ, ये मूवी फुल एवेंजर वाली फीलिंग देती है। जैसे थैनोस ने सबकी बैंड बजा रखी थी, वैसी इस विलन ने इस मूवी के अंदर सबकी बैंड बजा रखी है। इस मूवी को देखने के लिए इस फ्रेंचाइजी की 5वीं 6ठी और 7वें पार्ट का पता होना या मूवी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मूवी के हर एक किरदार एक के बाद एक इसके अंदर आते जाते हैं। ये मूवी फैमिली के लिए प्यार, उसके लिए लड़ना, उसके लिए किसी भी हद तक जाना और खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर देना, वो सब दिखा देती है। मूवी के अंदर बहुत सारे कॉमेडीज पंचेस है जिसे सुनकर आपको मजा आएगा, और इसका सारा भार रोमन भैया ने उठा रखा है। मूवी के अंदर 3 ट्विस्टर्स से देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मूवी शायद 3 पार्ट में आएगी, इसलिए मूवी का ये पार्ट अधूरा है। मूवी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आप सीटियां मारोगे, कम से कम मेरे आस पड़ोस वाले तो मार ही रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा। मूवी खत्म होते ही उठकर मत चले जाना, एक सीन आएगा जो आने वाले चैप्टर का सारा हिंट दे जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ ये मूवी फुल एक्शन और विलन के नफरत को और पागलपन को दिखाती है। ऊपर से क्या करेक्टर पकड़ा है हमारे एक्वामैन भैया ने, मजा आ गया। मूवी के कुछ सीन अभी अधूरे हैं जो ऑफकोर्स आने वाले पार्ट में कनेक्ट होंगे। ऑल ओवर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ, ये एक एंटरटेनमेंट मूवी है और आपको देखनी चाहिए। मूवी फैमिली फ्रेंडली है, पर इसमें लिटिल बिट किस है, अगर आप उसे छोड़ दे तो आप परिवार के साथ देख सकते हैं। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना।